फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बहुत देर के बाद। ये है हमारा हर्ड। कौन सा वाला है भाई, मुझे तो पता ही नहीं। वैसे आ जाता है पानी तो देखो कितना आ रहा है यार। चलो ना आने यार बोले। आयु इधर देखो आयु क्या वो इतने सारे लोग अंदर से पानी में तो हम भी जाएंगे। तो ये लोग सब लोग आ रहे हैं, मेरे सारे देवरानिया। तो गाइस पानी बहुत ज्यादा ऊंचा हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा इतना के बस। मारिया अभी चलते हैं ना, रुको दो जाएंगे ना। ज़्यादा पानी है, आगे जाने का बहुत दिल चाह रहा है लेकिन बहुत डर लग रहा है, बहुत ऊंची लहरें हैं यहाँ पर ना। यहाँ रख लेते हैं, साइड में कौन सा पानी आ रहा है। और ऊपर कर देते चप्पल ना बैठ जाए हमारी। इंजॉय करें हमारी पूरी फैमिली वहाँ हट में, और वो लोग हट से आ नहीं रहे क्योंकि समंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा भाई एक्साइटेड हैं समंदर में जाने के लिए, तो हम लोग तो आ गए पानी में। और लहरें इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊँची हैं, बहुत ज़्यादा कुछ, तो हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सारे बच्चे वहीं छोड़ कर आए हैं, सब लोग वहीं हैं, एक एक करके आ रहे हैं सब लोग, लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और मैं तो चल रही थी समंदर पर आने के लिए। बहुत ऊंची लहरें आ रही हैं गाइस।
हे गाइस, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है इनको। और बस ये चाहती हूँ कि इनका बस नहीं चल रहा है, ये बहुत आगे चली जाए। और बस आके अभी हमें 10 मिनट भी नहीं हुए और इनकी जो है एंजॉयमेंट स्टार्ट हो गई है, पर हमें अभी तक बहुत डर लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है।
दी है बाकी हो गया। ये लो ये रखो, इतना नहीं चाहिए। सपनी खाई छा बस एक रस्ते से अच्छे तो होगा मछली चल रहा है। सब लोग खाने में लगे हुए हैं, लंच ब्रेक हुआ है और हम लोग अभी दोबारा से खाना घर में जाने के लिए तैयार हुए हैं। तकरीबन सारे के सारे खाना खा रहे हैं, अंदर रूम्स में खाना नहीं खा रहे, सब लोग बाहर खाना खा रहे हैं क्योंकि गीले हो रहे हैं सब लोग और अंदर रूम बहुत क्लीन है, इस वजह से ना हम लोग सारे सब मिट्टी में सब गीले हुए हैं तो इसलिए सारे के सारे बाहर ही बैठ गए हैं सब खाना खाने के लिए और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। और तो इस बच्चे देखिए कितनी इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, पुल भरने की कोशिश कर रहा है भाई पुल बच्चे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? स्विमिंग पूल बना रहे हैं। वाह, और इस वक्त पानी और ज्यादा चढ़ गया है, तकरीबन इस वक्त इतना ज्यादा चढ़ गया है पानी कि बस बहुत ज्यादा पानी इतना। अभी हम लोग दोबारा जाने की कोशिश में लगे हुए हैं पानी कि हम किसी तरह दोबारा चले जाएं, तो अभी हम जाते हैं सब लोग खाने से फारिग हो जाएं तो फिर ये देखें। और वहाँ हमारे सारे फैमिली वाले खाना खा रहे हैं, ये सारे के सारे खाने में लगे हुए हैं और बच्चे यहाँ पर स्विमिंग पूल भरने की कोशिश कर रहे हैं। स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसको भरने की कोशिश कर रहे हैं सारे बच्चे, पानी भर भर के ला रहे हैं। ये देखें देखें बच्चों के काम चेक करें भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो ये? हाँ, स्विमिंग पूल में पानी भर रहे हो? नहीं भरा जाएगा तुम लोगों से पानी, जो ये भर रहे हो ना, नहीं भरा जाएगा पानी। चले मारियो चलो। तो अभी हम दोबारा से जा रहे हैं पानी की तरफ, एक दफा फिर खाना खाकर रेडी हो गए हम लोग तो नहाने के लिए।
गाइज अभी हम लोग फिर से दोबारा से समंदर की तरफ आए पानी में इंजॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारा तो अभी दिल नहीं भरा। अभी तो 2 बजे हैं दोपहर में, तो अभी तो हम जाएंगे 5-6 बजे तक, तो जब तक तो हम लोग इंजॉयमेंट करेंगे बहुत ज़्यादा। गर्व जाते जाते चाय पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें ज़रा, सब लोग चाय लेकर खड़े हुए हैं और हम लोग सब नहा धोकर सफाई हो गए हैं बिल्कुल, और बहुत मज़ा आ रहा है। ये व्यू हसीन सा समंदर और ये चाय, मज़ा ही आ गया आज तो। बस सबकी चाय चल रही है, सब चाय में लगे हुए हैं तकरीबन। और इस वक्त पानी की लहरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इतनी ज़्यादा शदीद हो रही है क्योंकि शाम का टाइम है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ही। मिल गई चाय? हाँ, मैंने तो अभी एक सिप नहीं लिया। हेलो, अभी फिलहाल तुमने चाय नहीं ली कभी? चाय नहीं ली शमीन? इरम, यहाँ देखें सब लोग चाय में मसरूफ हैं इस वक्त। आयरा, चाय नहीं ली? चाय नहीं ली आपने? नहीं नहीं पीती? नहीं पीते? तो हसीन सा ये मौसम है और ये खूबसूरत चाय, बहुत मज़ा आ रहा है। तो काश के ये दिन बार बार आए, समंदर के पास खड़े होकर हम लोग चाय पिए। तो गाइस अभी हम लोगों की घर जाने की तैयारी, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इतना इन्जॉयमेंट किए, इतनी ज़्यादा किए कि बस बहुत बहुत मज़ा आया। साल बहुत तकरीबन काफ़ी अरसे बाद ये पिकनिक हुई है ससुराल वालों की तरफ से, लेकिन बहुत इन्जॉयमेंट की। और देखें ये गाड़ी में आयत मुस्तकिल बैठी हुई है, अयान भी आयत भी थक गए बच्चे नहा नहा के पानी में। आयु, तो बस ये बच्चे हमारे बैठ चुके हैं गाड़ी में। आयु, आयु तो बहुत बेजार हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा। और सारे बच्चे अब बस खेल खेल के थक चुके हैं। अब इन लोगों को हो गया, बच्चे मुझे बुला के लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ तो आया हमारा तो व्लॉग बनाए। कहाँ खेल रहे हो ये तुम लोग? तो गाइस बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत हट बने हुए हैं यहाँ पर ये सारे। क्या कर रहे हो तुम लोग? ओहो, बच्चों के यहाँ पे बहुत मजे आए हैं। तो गाइस ये जो हम यहाँ आए हैं, इस जगह का नाम है फ्रेंच बीच, और मैं कहती हूँ सब लोग बिल्कुल ज़रूर आए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए, ये तो खास लोगों के लिए है ये जगह खाली। बाकी और लोगों के लिए जो नॉर्मल लोग जो आते हैं घूम ये पिकनिक करने के लिए, तो उनके लिए अलग से जगह है। लेकिन हमें जो व्यू मिला है ना पूरा हट के सामने, बहुत मज़ा आया। ऐसा व्यू मैंने आज तक नहीं देखा था तकरीबन। और इस वक्त जो बिल्कुल हमारे हट के सामने ही बिल्कुल इस तरह पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है,
वो तो बहुत ज्यादा ही कुछ हसीन लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस बहुत इंजॉयमेंट हुई। ये वाले मंजर जो है ना, ये समंदर वाले, और अभी तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ मौजूद हैं पहली दफ़ा, क्योंकि अभी हम लोग को चाय वाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अभी हम जाने की तैयारी तो ज़रूर करेंगे लेकिन अभी नहीं जा रहे। तो गाइज़ हम लोग आए थे अपनी अपनी गाड़ियों में, ये एक गाड़ी हमारी, दूसरी गाड़ी, वो तीसरी गाड़ी, और एक गाड़ी अभी जा चुकी है। तो सब लोग अपनी अपनी कन्वेंस से आए थे हम लोग, तो इसलिए जो है ना हम लोग और ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ सब गाड़ियों में बैठने के लिए रेडी हो रहे हैं, सामान रखा जा रहा है गाड़ियों में। तो बस ये आज का ब्लॉग तो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ में। जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। और बस रास्ते की थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगी, और ये देख अरीशा। तो बस यही ब्लॉग एंड कर दी हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग। बाय बाय।